हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रही है 7 और मैं उठ चुकी हूँ और आज सुबह सुबह है मेरा मेकअप, तो इसलिए अभी चाय वगैरह पी लेते हैं और नहा लेते हैं और जाते हैं शॉप पर, क्योंकि मेकअप है। तो चलिए यार फटाफट। और मैं आज 3 दिन के बाद व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि वेडिंग व्लॉग्स आ रहे थे एक दिन छोड़ के एक दिन, और थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो थकान भी उतर गई, फुल रेस्ट भी किया और आपको भी इंजॉय करवाया वेडिंग व्लॉग्स का। मैं हो चुकी हूँ रेडी, चाय वगैरह पी लेते हैं फिर जाना है शॉप पर। तो चाय यहाँ पर मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी, तो चाय ठंडी भी हो गई है, पी लेते फटाफट और फिर निकलते शॉप कर ली। मैं रेडी हो चुकी हूँ और चिकू को भी उठा दिया है, चिकू छोड़ने के लिए अभी आ रहे, और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। जल्दी जल्दी उठने का मज़ा ही कुछ और है, सुबह सुबह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फर्श की कारपेट पे भी इतनी औस जमी हुई है, जबरदस्त। चलो आप पकड़ के रखो, मैं मास्क लेके आती हूँ। मास्क लेके आती हूँ, मास्क भूल गई। मैं आ गई हूँ शॉप पर, और शॉप पर आ गई जब तक ब्राइड नहीं आई है, तब तक मैं आपको हमारे शॉप पर जो न्यू प्रोडक्ट आया है वो बता देती हूँ। और वो प्रोडक्ट है नेल पेंट, जो कि है मिसकॉस की, और सारे ही शेड इसमें अवेलेबल हैं। और एक शेड के भी आपके पास आपको 3 से 4 शेड मिल जाएंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। और फुल स्टॉक अवेलेबल है सभी शेड्स का। ये प्रोडक्ट आ गया था कुछ दिन पहले, पर मैं इतनी बिजी थी, मुझे भी टाइम नहीं था, और हमारे ही घर में शादी थी, तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया तुरंत का तुरंत लॉन्च करना। पर अभी शॉप करो पर लॉन्च हो चुका है, तो शॉप करो पर आकर विजिट कीजिए और नेल पेंट्स को अपनी मन पसंद के अनुसार परचेज भी कर सकते हैं। ब्राइड तो रेडी होकर चली गई है, पर अभी हम भी हेयर ऑयलिंग वगैरह करवा देते हैं। शादी के बाद कुछ हेयर केयर हुआ ही नहीं है, तो हेयर ऑयलिंग करवाएंगे अभी, और फिर घर पे जाऊंगी खाना वगैरह बनाने के लिए। तो अभी एक बार हेयर ऑयलिंग हो जाए, ताकि जब तक खाना वगैरह बना के आऊँ, इसके बाद मैं हेयर वॉश करवा दूँ। तो अभी हेयर ऑयलिंग हो रही है। कौन करेगा? ज्योति करेगी। चलो चलते हैं। घर पे जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना मंदिर आ जाया जाए, तो ये आ गए मंदिर, और गणपति बप्पा के मंदिर में कार्य प्रगति पर है अभी। मुझे पत्थर का जड़ा हो रहा है, इधर मार्बल आ गए, ये लगेंगे अब यहाँ पे। अब सामने शिव जी के मंदिर में दर्शन करके आते हैं। चलो यहाँ से दर्शन कर लिए, अब चलते हैं घर पे। इतने नाटक भी करने की जरूरत नहीं है तुमको। घर पर आ गई हूँ, अब खाना वगैरह बनाते और बाकी सब जो भी काम ड्यू है वो कंप्लीट करके फिर जाएंगे शॉप पर। शॉप से आई थी तो आधा घंटा तो सिर्फ ये रूम में सारा अरेंज करने में ही लग गया, क्योंकि सारी शादी का बिखेरा पड़ा हुआ था, और बेडशीट वगैरह चेंज की एंड सामान तो अभी भी कुछ बिखरा पड़ा है। चिकू के सूट की सूटकेस रखने के लिए रखनी बाकी है ऊपर, और खाना वगैरह बना देते हैं। भाई जी आई नहीं है, तो सब जगह झाड़ू लगाया, और अभी साथ साथ में ये शॉप के ओवन धो रही है, और काम प्रगति पर है बस, इसीलिए खाना में थोड़ा डिले हो जाएगा, और क्योंकि घर में साफ़ सफाई करनी पड़ गई और शादी का तो बिखेरा था ही जैसे कि। और क्या खाने में बनाया, सोच ही रही हूँ, अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है। खाने में बन रहा है चने की दाल और रोटी और चावल। आज व्रत है पर कुछ ज़्यादा बना नहीं रहे। ये जो दाल का मसाला तैयार हो रहा है, ये दाल बॉयल होकर पड़ी हुई है, या चावल और या आटा। खाना वगैरह फटाफट से कर देते हैं, क्योंकि शॉप पर क्लाइंट्स आने वाले हैं, तो कॉल्स आ गए हैं, और अभी शायद कोई घर पे गेस्ट भी आने वाला है ऐसा लग रहा है, तो क्या पता, देखते हैं जो भी होता है वो। जल्दी से फ्री होकर जाना है यार। खाना वगैरह सब हो गया है, मेरा व्रत था तो व्रत भी खोल दिया है, अब चलते हैं शॉप पर। क्लाइंट्स भी आ गए, कॉल भी आ गया है। शॉप पे आ गई हूँ, क्लाइंट आने वाले हैं। ज्योति का है पता करती हूँ, खाना खाने गई आई थिंक। हो गया, चलो
क्लाइंट्स को निपट लिया है और अब कर लेते हेयर वॉश। ज्योति ने याद दिला दिया मुंह नीचे करके, क्या पता क्यों बैठी है। तो अभी हेयर वॉश करेंगे, आ जाओ चलो भाई जमना अभी वाला सीन बताओ हेयर वॉश टाइम। तो आज मैं सोच रही हूँ बड़े टाइम के बाद क्यों ना बालों की थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग ले लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने बालों की ट्रिमिंग नहीं ली है। इसीलिए एप्रिन पहना ना भाई, मेरे स्वेटर में सारे सारे बाल बाल घुस जाएगी। इतने से तो काटने ट्रिमिंग ट्रिमिंग करनी है। वन लेंथ ही, अब मेरे बाल वन लेंथ ही हो गए पूरे बाल। ये स्कूटी लेके चल जाए वहाँ पर, चलाएगा कौन? मैं चला दूंगी ना, मेरे को डर लगता है। मैं मम्मू को लेके पहले गई थी प्रयोगिता के घर पे, तीन जगत बीच में खड़े रहते थे, तब तो मैं नहीं नहीं चला रही थी। मैं भी चलाने में मैं ही चला दूँ पर उनको बस सुड़ाने की होती है। खुशियाँ तो चढ़िया थोड़ा बहुत रोक कर मेरे गीते गीते बाल काटे ज्योति ने, देख लो पूरा नीचे फर्श जब भर गया। ट्रिमिंग हो गई है बालों की और अब मैं नेल्स वगैरह मैंने अच्छे से फाइल कर दिए हैं, तो आगे आ गई है नेल पेंट। और नया प्रोडक्ट है और अपन नहीं ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अभी नेल्स को फाइल कर दिया है, नेल पेंट रिमूवर से नेल पेंट जो लगी हुई है उसको रिमूव कर देते हैं और आगे और ज्योति और हम दोनों जाएंगे शॉपिंग करने। अभी हम जा रहे हैं आगे नेल पेंट परचेस करने। अब दिखाती हूँ आपको कौन कौन सा शेड मैं परचेस करती हूँ मेरे लिए खुद के लिए। तो ज्योति भी पीछे आ रही है, थोड़ा हेल्प करेगी कि दुकानदार गायब ही हैं। अभी हम नेल पेंट परचेस करने वाले हैं, देखते हैं भाई मिस कॉस में कौन सी समझ आती है। देख सबसे पहले तो एक अपने अंदर के लिए लेना है लाल कलर। नेल पेंट तो परचेज नहीं करी पर बाहर बहुत सारी, यानी नेल पेंट सारी मैस हो गई थी तो सारी रीअरेंज करी। और अभी तक शाम के लिए ब्राइड आई नहीं है रेडी होने के लिए, तो बस उसी का वेट किया जा रहा है। और मेरे है व्रत, मम्मी पापा गए हैं बाहर और चिकू को ही खाना है, तो चिकू कुछ भी मैगी वगैरह बना देंगे उनके लिए। मैं आ गई हूँ आगे और मैं लगवा रही हूँ अभी नेल पेंट ज्योति से। और मैंने नेल पेंट में लगवा रही हूँ रेड और ग्लिटर वाइट वाली, सिल्वर वाली, तो ये बहुत अच्छी लगने वाली है हाथ पे। तो चलिए ज्योति आ जाइए, हमारी नेल पेंट लगानी है। हाँ ज्योति लिपस्टिक लगा रही है, पहले ही साथ पे लगा रही है। लगानी है रेड लगानी है, ये वेडिंग फिंगर पे ग्लिटर लगाना है, बाकी सब अच्छा ही लग रहा है ना। अच्छा ही तो लग रहा है। बिंदी पर नेल्स देख लो, फोटोशूट करा देंगे, अच्छा लग रहा है। मेकअप हो गया है कंप्लीट और मेरी नेल पेंट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। थैंक यू ज्योति, ज्योति भी बाबड़ी थाली ये जावा कह रहे जा खाई जा खाई जा ही करे। ठीक है यहाँ पे मंगल कर दे वही तो हो वे बीए गाने फोकड़ी हूँ। एसी वाला स्विच ऑन कर देना, मेरी दुपट्टा दे दे बोरा। तो अच्छा तो हम चलते हैं नेल एक्सटेंशन करें। चिकू गए हैं अभी ज्योति को छोड़ने, जैसे ही आते हैं वैसे चिकू और मैं दोनों चलेंगे घर पर। और आज चिकू के लिए मैगी बनने वाली है। आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको। गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। हाय मिट्टू, हम घर पे आ गए। बोलो मिट्टू। ऐसे नहीं बोलो, बोलो आ गए आ गए। बोल दे मिट्टू, बोल दे। बैटरी चेंज की और अभी मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन टी बना के पी जाए, क्योंकि
इच्छा हो रही है ग्रीन टी बना के पीने की, तो लेमन टी बनाते हैं। चलो 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 और फिर पी लेते हैं। बर्तन तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद धोऊंगी। चिकू ने उनके लिए बना ली मैगी। ये काम मेरा बहुत यानी इजी हो गया क्योंकि उन्होंने उनका खाना कर लिया, मैंने मेरा खाना भी बना दिया क्योंकि मैं सुबह से बिजी थी तो भूख भी लग गई थी, व्रत था। तो ये बनाई है राजगिरी आटे के पराठे और ये चाय, तो दोनों एक साथ इंजॉय करती हूँ और थोड़ा पेट भी भर जाएगा तो दिमाग भी अच्छे से चलेगा। चलेगा तो क्या, सोना ही है, पर भूखे पेट नींद नहीं आती है इसलिए। अपना फलार भी हो गया है, मम्मी पापा भी आ गए हैं, तो बस यहीं पर कर देते हैं व्लॉग का एंड। अगर यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय बाय बाय।